अस्सलाम वालेकुम चहारम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का उनवान है ज़कात। ठीक है, आज हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर एक है, दर्जा सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर एक, ज़कात किस किस को दी जा सकती है? तो इसका जवाब है करीबी रिश्तेदारों, मुख्तलिफ पड़ोसियों, फ़कीर, मस्कीन, कर्जदार, मुसाफिर, बेसाज़ो सामान मुजाहदीन को ज़कात दी जा सकती है। सवाल नंबर दो है, ज़कात के चंद फ़ायदे लिखिए। इसका जवाब है, ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, माल की मुआशरे में गर्दिश होती है। ज़कात अदा करने से गरीबों की कफालत होती है। ठीक है, ये हैं ज़कात के फ़ायदे। सवाल नंबर तीन है, ज़कात अदा करने के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब है, कौन है जो अल्लाह ताला को नियत नेक और खलूस से कर्ज दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे और उसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है। ठीक है, यानी ज़कात जो है वो अल्लाह ताला को कर्ज देना है। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि कौन है कि जो अल्लाह को नेक और खलूस नियत से कर्ज दे, फिर बदले में अल्लाह पाक उसको दूना अदा करेंगे। ठीक है, और उसके साथ जन्नत भी मिलेगी, जिसका सिला जन्नत है। सवाल नंबर चार है, ज़कात अदा करना किन पर फ़र्ज़ है और ये कितनी अदा की जाती है? इसका जवाब है, नसाब की मकदार की जो रकम आपके पास पूरा एक साल जमा रही हो और आपके इस्तेमाल और ज़रूरियात से ज़्यादा हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात की हद 100 रुपये पर 250 रुपये बनती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा सवाल नंबर पाँच है, ज़कात का माल नाहक खाने वालों के लिए कुरान मजीद में क्या कहा गया है? तो इसका जवाब है, जिस दिन वह माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये वही है जो तुम अपने लिए जमा किया था और जो तुम जमा करते थे, अब इसका मज़ा चखो। इसके बाद हमारा सवाल नंबर दो है, जुमले मुकम्मल कीजिए। तो नंबर एक है, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। नंबर दो, ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों, ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं, ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। नंबर तीन, ज़कात अमीर की दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों तक पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर चार, इस्लाम गरीबों मस्कीनों की कफालत करना सिखाता है। ठीक है, इस्लाम हमें बताता है कि हमने गरीबों और मस्कीनों की कफालत करनी है, उनकी मदद करनी है। नंबर पाँच है, इस्लाम सिखाता है कि हमारी दौलत पर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दूसरों का भी हक है। ठीक है, इस्लाम हमें बताता है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के काम आना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल नंबर तीन है, इस्लाम की फ़र्ज़ इबादत पर टिक्का निशान लगाइए। तो प्यारे बच्चों, इस्लाम की जो फ़र्ज़ इबादत हैं वो कौन कौन सी हैं? तालीम हासिल करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह को एक मानना, रोज़े रखना, कलिमा पढ़ना। ठीक है, इनमें जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ हैं लेकिन उनके साथ कुछ शरायत हैं, वो शरायत के साथ फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर चार है, ज़रा हिसाब तो लगाइए, तमाम अखराजात पूरे करने के बाद भी किसी शख्स के पास पूरे साल 50,000 रुपये बग़ैर इस्तेमाल के रखे रहें, अगर ज़कात देनी हो तो कितनी रकम अदा की जाएगी? तो इसका जवाब है, 100 रुपये पर 250 रुपये के हिसाब से हमने ज़कात अदा करनी है। तो इसका जवाब है,
1,250 रुपये ज़कात बनेंगी। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 5 है, ज़कात के बारे में एक मुख्तसर मज़मून लिखिए। ठीक है, ज़कात के बारे में एक मुख्तसर सा मज़मून लिखना है हमने। बाजी तो इसका जवाब है, ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है, ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज है, ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी है पाक करना। ज़कात की अदायगी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार हुक्म दिया है। ज़कात से गरीबों की मदद होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल नंबर 6 है, कालम मिलाइए। तो हमने कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। ज़कात फ़र्ज़ है साहिब निसाब पर, ज़कात फ़र्ज़ होती है एक साल के बाद। ठीक है, जब हमारे माल को रखे हुए एक साल गुजर जाए, हम उसे इस्तेमाल ना करें, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात इबादत है माली, ज़कात के मायनी है पाक होना। 7.5 तोला ज़कात सोने की। ठीक है, सोने पर 7.5 तोला ज़कात बनती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सबको बहुत अच्छे से याद रखना है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।